हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैकाट्रोनिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, जो कि हमने चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है आपसे कि एन ओपन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। इसका आपको आंसर देना है, एन ओपन कंट्रोल सिस्टम क्या होगा इसका आंसर। तो आप ये देखोगे कि इसका फर्स्ट आंसर होगा दैट इज़ योर आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट। ऑब्वियस बात है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हम लोग ये देखते हैं कि आउटपुट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, कंट्रोल इनपुट के। सेकंड क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो दैट इज आंसर नंबर होगा इसका बी, दैट इज री कैलिब्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। इसमें री कैलिब्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोल सिस्टम जो होता है इन विच कंट्रोल एक्शन इज सम हाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज नोन एज, कंट्रोल सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज सम हाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज नोन एज, क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। तो ये ऑब्वियस बात है कि इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ए दैट इज़ क्लोज लूप सिस्टम। यानी क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, अ कंट्रोल सिस्टम जिसमें कि कंट्रोल एक्शन जो होता है वो इज सम हाउ डिपेंड ऑन द आउटपुट पर। चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लोज लूप सिस्टम विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन एंड द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम विल, क्या होगा इसका आंसर चौथा क्वेश्चन का, कि क्लोज लूप सिस्टम में विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम क्या कहलाएगा, दैट इज डिक्रीज, क्या कहलाएगा डिक्रीज। इन क्लोज लूप सिस्टम में विद पॉजिटिव वैल्यू फीडबैक गेन की ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम की वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो दैट इज फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर, क्या होगा इसका आंसर फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर जो होगा हमारा आंसर होगा इसका, जिसमें कि पूछ रहा है आपसे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कौन सा है। तो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर जो है हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी करेक्ट फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम, क्या होगा इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी करेक्ट फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटी कॉज मल फंक्शनिंग, दिस द सिक्स्थ। आगे हम लोग पढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि इन ओपन लूप सिस्टम क्या होगा इसका आंसर, इन ओपन लूप सिस्टम इसमें जो इन ओपन लूप सिस्टम में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जो कि बता रहा है कि जो कंट्रोल एक्शन जो होता है वो इज़ इनडिपेंडेंट होता है ऑफ द आउटपुट के, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ से पूछ रहा है डैश हैज़ टेंडेंसी टू ऑक्सीलेट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज लूप सिस्टम हैज़ टेंडेंसी टू ऑक्सीलेट। नवा पॉइंट बढ़ते हैं आगे कि अ गुड कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, नवा क्या हो जाएगा, गुड कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, क्या होगा इसका आंसर नवे का, दैट इज स्लो रिस्पॉन्स, क्या होगा स्लो रिस्पॉन्स। गुड कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट स्लो रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि कार अगर रनिंग कर रही है तो कौन सी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीडबैक एलिमेंट इज ऑफ द ड्राइवर, क्या होगा इसका आंसर, गुड क्वेश्चन।
जिसमें कि कार इज़ रनिंग स्पीड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीडबैक एलिमेंट फॉर द ड्राइवर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर नंबर होगा इसका सी, दैट इज़ नीडल ऑफ द स्पीडोमीटर, नीडल ऑफ द स्पीड ऑफ स्पीडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है आपसे कि जो इनिशियल रिस्पॉन्स व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट वो क्या कहलाता है? द इनिशियल रिस्पॉन्स व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा हमारा? ट्रांजिस्ट रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स कहलाएगा? ट्रांजिस्ट रिस्पॉन्स, जिसमें कि इनिशियल रिस्पॉन्स जो होता है व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट इज कॉल्ड ट्रांजिस्ट रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 12 के आगे पढ़ते हैं कि यहाँ कंट्रोल सिस्टम वर्किंग अंडर अननोन रैंडम एक्शन इज कॉल्ड, कंट्रोल एक्शन, कंट्रोल सिस्टम वर्किंग अंडर अननोन रैंडम एक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? तो आंसर नंबर जाएगा इसका सी, स्टोचेस्टिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो वर्किंग अंडर अननोन रैंडम एक्शन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑटोमेटिक टोस्टर इज अ डायस लूप कंट्रोल सिस्टम, एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज अ डायस लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होगा? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें तो एनी एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस सिग्नल अफेक्टिंग द कंट्रोल आउटपुट वो क्या कहलाएगा? एनी एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस सिग्नल इन अफेक्टिंग द कंट्रोल आउटपुट क्या कहलाएगा इसका आंसर? दैट इज स्टिमुलस, दिस वन इज योर नोन एज स्टिमुलस। क्या होगा इसका आंसर? स्टिमुलस। आगे बढ़ते हैं 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का फीडबैक, आपने देखा होगा यहाँ पर कि क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम से फीडबैक के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डैश इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, डैश इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा पर एस्पिरेशन सिस्टम जो होगा वो हमारा कहलाएगा, इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। 17 की बात कर लेते हैं। तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोल एक्शन इज डिटरमाइंड When a man walks along a path, क्या कहलाएगा इसका आंसर हो जाएगा? That is I, 17 का D, that is I। 18वें की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18वें का डैश इज अ क्लोज लूप सिस्टम, यानी ऑटो पायलट फॉर एयरक्राफ्ट सिस्टम जो होगा वो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होगा क्योंकि उसमें फीडबैक सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर कॉमनली यूज एज एरर डिटेक्टर एंड इंस्ट्रूमेंट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर कॉमनली यूज एज एरर डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट तो क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज डी, यानी माइक्रोसेंस। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड डन टू मेक अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू मेक एन अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल 20वें का आंसर हो जाएगा, दैट इज द गेन ऑफ द सिस्टम शुड इंक्रीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? द गेन ऑफ द सिस्टम शुड इंक्रीज्ड, सॉरी द गेन ऑफ द सिस्टम शुड डिक्रीज, नहीं नहीं 20 का बी, द गेन ऑफ द सिस्टम शुड बी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी जो होगा आंसर, दैट इज बी। बी में क्या हो जाएगा कि द गेन ऑफ द सिस्टम शुड बी इंक्रीज।
21 में आते हैं, डैश इंक्रीजेस द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, डैश इंक्रीजेस स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर क्या है? इंटीग्रेटर इंक्रीज द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी। 22 पे आते हैं कि एसी सर्वो मोटर रीअसेंबल्स, एसी सर्वो मोटर रीअसेंबल्स क्या होगा इसका आंसर? टू फेस इंडक्शन मोटर, टू फेस इंडक्शन मोटर जो होगा हमारा एसी सर्वो मोटर रीअसेंबल। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर पढ़ते हैं, एज द रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन नेगेटिव फीडबैक विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिक्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए, दैट इज बैंडविथ। बैंडविथ हमारा क्या होगा? रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्रीज। 24 पे हम लोग पढ़ते हैं, 24 का आंसर क्या होगा कि रीजेनरेटिव फीडबैक इम्प्लाइज फीडबैक, रीजेनरेटिव फीडबैक इम्प्लाइज फीडबैक क्या होगा विद किसके साथ होगा? 24 का डी पॉजिटिव साइन, क्या होगा? पॉजिटिव साइन। एंड 25th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि द आउटपुट ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ, मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ रेफरेंस एंड आउटपुट, क्या होगा? रेफरेंस एंड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें तो डैश इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, कौन सा इसमें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है आप बताइए? तो आप बताओगे कि फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर जो होता है हमारा वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। 27 की बात कर लें तो कंट्रोल सिस्टम विद एक्सेसिव नॉइज इज लाइकली टू सफर फ्रॉम, क्या होगा? सिचुएशन सैचुरेशन इन एम्पलीफाइंग स्टेजेस, क्या होगा आंसर इसका? सैचुरेशन इन एम्पलीफाइंग स्टेजेस। 28 क्वेश्चन की बात कर लें तो जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर अ सिस्टम मीन्स, जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर अ सिस्टम मीन्स क्या होगा इसका आंसर? 28 का दैट इज़ योर डी, सिस्टम इज एट रेस्ट एंड नो एनर्जी इज स्टोर्ड इन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है कि ट्रांसफ़र फंक्शन किसी भी सिस्टम का कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसफ़र फंक्शन की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो आउटपुट फॉर गिवन इनपुट, आउटपुट फॉर गिवन इनपुट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हम लोग, 30 क्वेश्चन पूछ रहा है कि द बैंडविड्थ इन अ फीडबैक एम्पलीफायर क्या होगा इसका आंसर? बैंडविड्थ ऑफ फीड एम्पलीफायर दैट इज योर सी, इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एट द गिवन गेन डिक्रीज, क्या होगा? बैंडविड्थ इन अ फीडबैक एम्पलीफायर का इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एज द गेन डिक्रीजेस। Thanks for watching and sharing.